तो हम पढ़े थे माइक्रोब्स के बारे में, अभी देखेंगे सम माइक्रोब्स आर यूजफुल। हम जो पढ़े थे माइक्रोब्स के बारे में, उनके वजह से हमारे बॉडी में क्या डिजीजेस होते हैं, क्या हमारी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़े थे। अब पढ़ेंगे कि सारे माइक्रोब्स बुरे नहीं होते, सारे सम आर यूजफुल फॉर अस टू, कोई कोई हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। नॉट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल, सारे माइक्रोब्स हमारे लिए हानिकारक नहीं होते। सम आर यूजफुल टू, कोई कोई हमारे काम के भी होते हैं, जैसे कि सम बैक्टीरिया लिविंग इनसाइड आवर बॉडी हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। कोई ऐसे ऐसे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बढ़ते हैं, जो हमारे खाने को हजम करने में मदद करते हैं। सम बैक्टीरिया आर यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मिल्क को दही में बदलने के लिए हेल्प करते हैं। फंगी लाइक ईस्ट आर यूज टू मेक केक एंड ब्रेड पल्पी, ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ईस्ट, ये लोग क्या करते हैं ब्रेड या फिर केक बनाने में, इसको फुलाने में हमारे मदद करते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प टू ब्रेक डाउन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड रिलीज न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, इट मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल, ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मरा हुआ या सड़ा हुआ चीज़ जो ज़मीन में गिरा होता है उसको ये लोग सड़ा के ज़मीन में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी को बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है और मिट्टी फर्टाइल बनता है। सॉइल मोर फर्टाइल मतलब मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ यानी कि उर्वर बनाते हैं। ख़त्म हो गया आपका चैप्टर, यहाँ पे आपके लिए कुछ ओरल क्वेश्चंस दिए गए हैं। आंसर द क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है ओरल क्वेश्चंस। द नंबर वन, व्हाट आर माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या है, व्हाट आर माइक्रोब्स दिया गया है। देखो, माइक्रोब्स आर वेरी टीनी लिविंग थिंग्स दैट कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोब्स आर वेरी टीनी लिविंग थिंग्स दैट कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। उसके बाद नेम टू डिजीजेस कॉजेस बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया हुआ गया टू दो टो डिजीज का नाम बताओ। तो यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे देखो टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। नेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प टू शेड कर्ड मिल्क, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प टू शेड कर्ड फ्रॉम मिल्क, दैट इज बैक्टीरिया, वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये मिल्क को दही होने में मदद करता है। फोर, नेम टू डिजीजेस कॉजेस बाय वायरस, एक से दो वायरस का नाम, ऐसे दो बीमारियों का नाम बताओ जो वायरस के वजह से फैला होता है, जैसे कि पोलियो, आंसर इज पोलियो एंड फ्लू। उसके बाद बहुत सारे न्यू वर्ड्स हमें सीखने के लिए मिले हैं, जैसे कि टेम्पोरारी टीथ, द फास्ट सेट ऑफ टीथ इन आवर माउथ इज कॉल्ड टेम्पोरारी टीथ, हमें बर्थ होने के बाद हमारे जो पहले जो दांत आते हैं उसको बोला जाता है टेम्पोरारी टीथ। उसके बाद आया परमानेंट टीथ, द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेस मिल्क टीथ, जो पहले हमारे पैदा होते वक्त दांत आते हैं उसके गिरने के बाद जो सारे दांत आते हैं हमारे 32 उसको बोला जाता है परमानेंट टीथ। व्हाट इज कैविटी, कैविटी ए होल इन द टूथ, दांत के बीच में जो होल हो जाता है उसको बोला जाता है कैविटी। व्हाट इज एनामल, द आउटर मोस्ट व्हाइट लेयर ऑफ द टीथ इज कॉल्ड एनामल, हमारे दांत के ऊपर परत जो होता है सफ़ेद कलर का जो हमारे दांत को घिसने और टूटने से बचाता है उसको बोला जाता है एनामल। डेंटल फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस क्या है, स्ट्रिंग दैट इज़ यूज टू रिमूव फूड स्टॉक बिटवीन टीथ, एक ऐसा लिक्विड है जिसको हम अपने माउथ को रिंज करने से जो खाने हमारे दांत के बीच में अटके हुए होते हैं, फंस गए होते हैं, वो सारे निकल जाते हैं। प्लैक, व्हाट इज प्लैक, ए येलो स्टिकी लेयर फॉर्म्ड ऑन टीथ, ये जम्स के वजह से हमारे दांत के ऊपर जो येलो कलर का एक लेयर बैठ जाता है उसको बोला जाता है प्लैक। व्हाट इज माइक्रोब्स, माइक्रोब्स आर वेरी टीनी लिविंग थिंग्स दैट कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोब्स आर लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक छोटे छोटे जीव हैं जो खाली आँखों में नहीं दिखते, उसको सिर्फ हम एक माइक्रोस्कोप के मदद से देख सकते हैं। जम्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स, जो सारे माइक्रोब्स होते हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं उनको बोला जाता है जर्म्स। चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या सीखने के लिए मिला, एक क्विक रिकॉल उसको और एक बार याद करते हैं। टीथ गिव शेप टू आवर फेस हेल्प टू स्पीक क्लियरली एंड च्यू आवर फूड्स, टीथ दांत जो होता है वो हमारे फेस को सुंदर बनाता है, हमारे मुंह को सुंदर बनाता है, हमें बोलने में मदद करता है और हमारे खाने को चबाने में हमारी मदद करता है। सेकेंड इज इन ए लाइफ टाइम ऑल ह्यूमन बींग्स हैव टू सेट ऑफ टीथ, मिल्क और टेम्पोरारी टीथ, परमानेंट टीथ, मतलब
पैदा होने के बाद जो दांत आते हैं उनको बोला जाता है मिल्क टीथ और टेम्पोरारी टीथ। उसके बाद वो सारा गिरते हैं और 32 ठो परमानेंट टीथ आते हैं। एवरी टूथ हैज़ 3 लेयर। जो हमारे दांत होते हैं उनके 3 लेयर होते हैं। ऊपर का, सबसे ऊपर का होता है एनामल, उसके बीच का डेंटाइन, जो बीच का हिस्सा होता है उसको बोला जाता है पल्प। उसमें हमारे सारे नर्व्स भी एंड ब्लड सेल भी होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ इन ए परमानेंट टीथ सेट। हमारे जो परमानेंट टीथ सेट होते हैं उनमें 4 तरह के दांत होते हैं, जैसे कि इंसिजर्स, कैनिनीज, प्रीमोलर एंड मोलर्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ इफ वी वॉन्ट देम टू लास्ट फॉर ए लाइफ टाइम। हमें अगर हमारा दांत हमारे ज़िंदगी भर के लिए चाहिए तो हमें उसका ध्यान रखना होगा। माइक्रोब्स आर ऑफ 4 काइंड। माइक्रोब्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। माइक्रोब्स आर बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल। माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे लिए काम के भी हैं और हानिकारक भी हैं, सारे सेम नहीं होते।